हेलो एवरीवन, यू आर वाचिंग केमिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू बाय शिखा ब्रोल। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। थॉट ऑफ द डेज When everything seems to be going against you, remember that the airplane takes off against the wind, not with it. Keep trying to achieve your dreams. Topic of the day is from chapter 3, class 12, electrochemistry. In this lecture, we will cover corrosion and factors affecting corrosion. So, corrosion kya hota hai? Corrosion is defined as a process in which metal returns to their original form, that is their ore form, or into their other compound similar to the ores due to the effect of oxygen, moisture or other gases of the atmosphere. So in short, corrosion kya hota hai? Corrosion hota hai jab metal wapis apni pure form mein jane ki koshish karta hai ya chala jata hai by the action of air, oxygen, moisture and gases, that is known as a corrosion. So in this process, the pure metal which is obtained by the treatment of ore is brought back into its original form. जैसे कि हम सभी को पता है कि जो metal है वो purely ore form में exist करता है और ore को हम convert करते हैं by the treatments and form the product from that metal. And जब वो metal फिर react करता है moisture के साथ, oxygen के साथ या other gases के साथ atmosphere में, तो फिर से वो वापस अपनी original state में जाता है. That is known as the corrosion. And it is also known as the weakening of metal. In such a process, mostly metal oxides are formed, or generally metal oxides बनते हैं. But if metal contain impurities like sulfur and carbon, but अगर metal में impurities होंगी sulfur और carbon की, तो उस time पे जो हमारे पास formation होती है, they form the metal sulfides and metal carbonates. This is the process of corrosion basically. And in case of iron, this corrosion process is known as a rusting. And in case of your silver, that is tarnishing of silver, and the development of green coating on copper and bronze, this is also known as a corrosion. Silver tarnish hota to black color mein convert ho jata hai, and jo copper hai aur bronze hai, inke upar green color ki coating aa jati hai. This is the example of a corrosion. So corrosion basically, यहाँ पे मैंने बताया दो टाइप्स में हम नॉर्मली देखते हैं. एक आपका हम कवर करते हैं रस्टिंग ऑफ आयरन, एंड अदर वन इज ऑफ सिल्वर एंड कॉपर और ब्रोंज. रस्टिंग का फॉर्मूला क्या है? केमिकल फॉर्मूला ऑफ रस्ट आयरन का है, बिकॉज रस्टिंग आयरन की होती है तो फॉर्मूले में आयरन होगा. Fe2O3.XH2O. X means X number of water molecules. जितने भी वाटर मॉलिक्यूल्स कंबाइन होंगे आयरन के ऑक्साइड के साथ, वो रस्ट का फॉर्मूला बन रहा है. बेसिकली प्योर मेटल जो होता है आयरन, उसमें ऑक्सीडेशन होती है इन द प्रेजेंस ऑफ एयर, और वाटर और ऑक्सीजन ट्रैप हो जाती है और उस टाइम पे हमारे पास रस्ट लग जाती है, जिसको आप बोलते हो जंग लगता है लोहे को. एंड दैट इज नोन एज द हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड. दिस इज द फॉर्मूला ऑफ रस्ट. अब कौन कौन से फैक्टर्स हैं, फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर कोरोजन. फर्स्ट फैक्टर है रिएक्टिविटी ऑफ मेटल. मोर द रिएक्टिविटी ऑफ मेटल, मोर विल बी द पॉसिबिलिटी ऑफ क्रोजन. जितना मेटल ज्यादा रिएक्टिव होगा उतना ही उसमें क्रोजन होने के चांसेस ज्यादा हैं. ये है फर्स्ट फैक्टर. सेकेंड फैक्टर है प्रेजेंस ऑफ एयर एंड मॉइस्चर. एयर एंड मॉइस्चर इंक्रीजेस द चांस ऑफ क्रोजन. जितना हमारा मेटल एयर और मॉइस्चर के कॉन्टेक्ट में ज्यादा आएगा उतनी जल्दी उसमें क्रोजन लगेगा. इसकी बेस्ट एग्जाम्पल आप कोई भी आयरन के दो ऑब्जेक्ट लो, सेम एक को आप छत पे रख दो टेरिस पे और एक को अपने रूम में रखो. जो छत पे रखोगे आयरन का ऑब्जेक्ट वो जल्दी खराब हो जाएगा, उसमें जल्दी क्रोजन लगेगा, और जो रूम में होगा उसमें क्रोजन कम लगेगा या लेट लगेगा. रीजन इज क्योंकि रूम में एयर और मॉइस्चर इतना नहीं होगा जितना इफेक्ट ऊपर टेरेस पे आएगा, उसमें वाटर मॉलिक्यूल्स भी आएंगे. उन चीजों के कारण क्या होगा, रस्टिंग जल्दी होगी. एंड द प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन वाटर मेक इट एन इलेक्ट्रोलाइट एंड कॉजेज क्रोजन. और क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड भी प्रेजेंट होती है वाटर में, तो वो भी हेल्प करती है इलेक्ट्रोलाइट के फॉर्म में एंड कॉज करती है क्रोजन. सो बेसिकली वॉटर फिर आयरन के साथ रिएक्ट कर जाता है और Fe2O3.XH2O वॉटर मॉलिक्यूल्स आ जाते हैं और हमारे पास रस्टिंग लग जाती है, अगर हम बात करूं आयरन की. नेक्स्ट है
थर्ड फैक्टर प्रेजेंस ऑफ इम्प्योरिटीज, अगर मेटल में इम्प्योरिटीज प्रेजेंस होगी तो उन प्रेजेंट ऑफ इम्प्योरिटीज के कारण क्रोजन जल्दी लगेगा, जैसे आपने अभी पढ़ा सल्फर और कार्बन के कारण सल्फेट्स और कार्बोनेट्स बनते हैं मेटल के, दिस इज ऑल्सो मेन फैक्टर विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर क्रोजन। अगर मैं नेक्स्ट फैक्टर की बात करूँ स्ट्रेन इन मेटल, अगर मेटल में स्ट्रेन आ गया है बिकॉज ऑफ दैट स्ट्रेन जो एक्सपोज सर्फेस एरिया होता है वो इंक्रीज हो जाता है, एक्सपोज सर्फेस एरिया इंक्रीज होने के कारण जो क्रोजन है वो जल्दी लगता है। दीज आर सम फैक्टर्स विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर क्रोजन। अब इनको प्रिवेंट कैसे करना है, हाउ टू प्रिवेंट क्रोजन, सबसे पहला मेथड है बाय कैथोड प्रोटेक्शन। दिस मेथड इज यूज फॉर प्रोटेक्टिंग आयरन ऑब्जेक्ट्स लाइक सीवरेज पाइप्स, स्टोरेज टैंक्स विच आर बरिड अंडरग्राउंड। जो अंडरग्राउंड हम स्टोर करते हैं, पाइप्स लगाते हैं अंडरग्राउंड और टैंक्स रखते हैं, और जो शिप्स होती हैं, द ऑब्जेक्ट टू बी सेफ फ्रॉम रस्टिंग इज कनेक्टेड, वो ऑब्जेक्ट जिसको हमने बचाना होता है उसको हम कनेक्ट करते हैं विद द पीस ऑफ मोर इलेक्ट्रो पॉजिटिव मेटल लाइक जिंक, मैग्नीशियम और अल्मीनियम बाय अ पीस ऑफ वायर। तो उस ऑब्जेक्ट को हमने वायर के साथ कनेक्ट किया और जिंक, मर्करी और अल्मीनियम के साथ कनेक्ट कर दिया। इन दिस सिस्टम द आयरन ऑब्जेक्ट एक्ट एज ए कैथोड व्हाइल प्रोटेक्टिंग मेटल एक्ट एज एनोड। जो प्रोटेक्टिंग मेटल है वो एनोड एक्ट करेगा, तो फिर जो रिमूव ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा तो वो उस पे लगेगा एनोड पे। सो एनोड लूजेस द इलेक्ट्रॉन फॉर्मिंग अ कैटायन एंड इज इटसेल्फ ऑक्सीडाइज्ड एंड गोज ऑन डिसअपीयरिंग। तो हमारा जो ऑब्जेक्ट है उसको क्रोजन नहीं लगता, वो सेफ हो जाता है क्योंकि वो अब कैथोड बन चुका है। सेकेंड मेथड है सेक्रीफिशियल मेथड, इस मेथड के नाम से पता गया सेक्रीफाइस। तो यहाँ पे क्या होता है, आयरन ऑब्जेक्ट जिसको हमने प्रोटेक्ट करना होता है उसको हम कवर करते हैं थिन फिल्म ऑफ मोर इलेक्ट्रो पॉजिटिव मेटल्स लाइक जिंक, मर्करी, जिंक, मैग्नीशियम एक्सेट्रा। एज अ रिजल्ट उसके कारण क्या होता है, मोर इलेक्ट्रो पॉजिटिव मेटल जो है उसकी ऑक्सीडेशन हो जाती है इन रिस्पेक्ट टू द जिस ऑब्जेक्ट को हमें बचाना होता है, या फिर आयरन की बात करें अगर, तो आयरन का ऑब्जेक्ट जो है वो रस्टिंग से बच जाता है। एंड दिस इज अ बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ ए गल्वेनाइजेशन ऑल्सो, इसी को हम गल्वेनाइजेशन भी बोलते हैं। आयरन को जब हम बचाते हैं उसके ऊपर किसी और अदर मेटल जो इलेक्ट्रो पॉजिटिव है उसकी कोटिंग कर देते हैं। अब ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो आपको इस टॉपिक में पूछे जा सकते हैं, लाइक गिव द केमिकल फॉर्मूला ऑफ रस्ट, व्हाट डू यू मीन बाय गल्वेनाइजेशन, विच प्रोसेस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर क्रोजन और विच फैक्टर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर क्रोजन, व्हाई प्रोटेक्शन इज रिक्वायर्ड ऑफ आयरन, एंड गिव द वेज टू प्रोटेक्ट द रस्टिंग। दिस टॉपिक इज ऑल्सो फ्रॉम क्लास 10th चैप्टर नंबर 1st। सो जो बच्चे 10th के हैं वो भी ये टॉपिक कवर कर सकते हैं, इवन ये टॉपिक उनको थर्ड चैप्टर में भी है। सो बाय दिस आई फिनिश माय दिस लेक्चर हियर, थैंक यू फॉर वॉचिंग, शेयर इफ यू फाइंड इट यूजफुल, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर, टिल देन कीप लर्निंग, बाय बाय।